मॉर्निंग यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अभी अभी मैं नीचे से नाश्ता करके आ रही हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 एंड आज मुझे जाना है एयरपोर्ट बिना फेल हुए, विदाउट फेल। AP का कुछ काम है तो उसके लिए जाना है। सो अभी मैंने सर से पूछा कि क्या मैं इवनिंग में आ सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। सुबह सुबह जाके पैसा खर्च करो, यानी दिन भर पैसे खर्च होंगे। एंड लिटरली यहाँ से एयरपोर्ट तक का रास्ता है एंड दूर तो है, ठीक है, बट 783 समथिंग है। एंड आई डोंट नो, कल मैं केवल गई देखने के लिए एंड उसमें मेरा 1100 समथिंग रुपीज़ गया। एंड आज फिर से AP केवल वो फॉर्म सबमिट करने के लिए, जो कि मैंने आईफ्लाई में किया था। और मुझे आईफ्लाई में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आ भी रहा था कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है, एंड वो वैसा ही हुआ, नहीं हुआ सबमिट। तो अभी मुझे जाना होगा AP के लिए सबमिट करने। सो या मैं दोपहर या फिर शाम में ही जाऊँगी। तो यस, सो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल वीडियो एडिट करने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम होता है ना लॉन्ग वीडियोज एडिट करने में। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एडिट करना। सो आप देखना कब वो वीडियो अपलोड होता है एंड ये वीडियो कब अपलोड होता है। सो यस, मैं आपको बताती हूँ रोज रोज ठूस ठूस के ना मेरा पेट नहीं भर रहा है, लेकिन मेरा मुंह नहीं भर रहा है, लेकिन और मेरा पेट भी नहीं भर रहा है, मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। आइस क्यूब्स मैंने मांगा था एंड इतना सारा आइस क्यूब्स, आइसक्रीम एंड ये। तो मैं अभी जा रही हूँ एंजॉय करने। उन्होंने मुझसे पूछा था कितना आइस क्यूब्स लेगी, तो मैंने कहा था 4 आइस क्यूब्स। मुझे क्या पता था पूरा का पूरा लाके जग में आइस क्यूब्स भर के दे देंगे। आज मेरा पूरा गला खराब हो जाना है, ऐसा कुछ भी ना हो भगवान। गाइज, अभी अभी खाते खाते आइसक्रीम मैंने सर को कॉल किया कि सर आज आना होगा AP के लिए, तो मैं क्या शाम में आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने बात किया है AP वालों से वहाँ कोचिन, ये दिल्ली आई फ्लाई में, तो उन्होंने कहा कि डिस्पैच हो गया है और आज पहुँच जाएगा, तो आपको आने का ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा थैंक गॉड, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने कहा कि या आई अंडरस्टैंड, सो थैंक गॉड मैं बच गई। वो 750 यहाँ से कोचिन एयरपोर्ट जाने का, 750 आने का, केवल वो AP फॉर्म फिल करने के लिए। ओ माई गॉड, 1500 समथिंग बच गया मेरे। एंड मैं होटल में हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है गर्मी का। तो मैं कल गई थी जब फ्लैट देखने के लिए, इतना ज़्यादा गर्मी एंड वो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा अच्छा था एंड दो लड़कियाँ भी थी तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। एंड यहाँ आते साथ होटल में घर का इतना ज़्यादा याद आने लगता है ना। आई डोंट हैव एनी कंटेंट और मैं अकेले अकेले हो रही हूँ बोर। एंड मैं सोच रही हूँ क्यों ना, 1 सेकेंड कैमरा साफ करते। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना GRMW दैट इज ग्रूमिंग वीडियो शूट किया जाए। आ गया है खाना खाने का टाइम। हैंडी ऐप पर्दा हटाओ, रूम को सुंदर से बनाओ और खाना खाओ। एंड ये 1 सेकेंड दिखाती हूँ इधर रख के। सो टीवी देख के एंड ये खाना। में आज मैंने पास्ता ऑर्डर किया और मैंने पास्ता में चीज़ डालना मना किया, जिसके कारण ना थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है और मुझे वो पसंद नहीं आई है। चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी या एंड दही, अचार, पापड़, सलाद। वाओ, थैंक यू सो मच। पास्ता और चिकन टिक्का को वहाँ पे रख दिया, वो मैं बाद में खाऊंगी। एंड अभी मुझे हाथ से खाने का मन किया, इसे मैंने पूरा घिना दिया है, इसमें से निकाल के प्लेट में रखा है। पापड़ है, ये अचार, ये NDA। तो मैं जा रही हूँ हाथ से खाने। अभी बताएगा इस क्या हुआ। अभी मैं जब दोपहर में खाने के लिए प्लेट्स आए थे उतने सारे, तो मैंने सोचा रूम के बाहर रख देती हूँ। एंड बाहर जैसी मैं रखने गई तो थोड़ा सा ऐसे मैंने उसे पुश किया, तब तक मेरा गेट बंद हो गया एंड कार्ड मेरे पास नहीं था, अंदर रूम में लगा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लिफ्ट से नीचे जाके, हालत में तो नहीं थी, स्वेटर पहना हुआ है मैंने और मुझे इतनी शर्म आ रही थी, फिर मैंने सोचा ठीक है चले जाते हैं। एंड मैं जब लिफ्ट के अंदर गई तब मुझे पता लगा वो कार्ड ही नहीं है मेरे पास। कार्ड ऐसे दिखाते हैं ना, उसके बाद नीचे जाता है लिफ्ट। फिर वापस आई वेटिंग फॉर समवन, मेरे को देखे कोई। एंड मैंने इतने सारे रूम्स के बेल रिंग भी बजाए, कोई नहीं खोला दरवाजा। लाइक ओ माई गॉड,
किसी को हेल्प चाहिए होगा तो भी नो वन इज देयर. सो जबकि उस रूम से आवाज़ आ रहा था तब जाके मैंने लास्ट वाले में उस रूम से आवाज़ आ रहा था तो मैंने जाके बेल रिंग बजाया, दो बेल रिंग, किसी ने नहीं खोला. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पीपल. तो फिर एक कीपर दिखा मुझे तो मैंने उससे कहा कि एक्सक्यूज मी प्लीज़, मैंने इस रूम को, आई जस्ट सेड इतना एंड ही सेड यू हैव लॉक्ड, या इट हैपेंस. एंड देन वो जाके नीचे से वो लेके आया एंड फिर उसने खोला. बिलीव मी एक्चुअली मैं भी खाना खा के आ गई और मैं स्वेटर पहनी हुई. आई डोंट नो यहाँ एसी से मुझे ठंडा लग रहा है और बाहर जाने पे इतना ज़्यादा गर्मी ना, तो एंड मुझे घर में पहनने वाले टॉप्स दिख नहीं रहे थे. एंड ये टॉप मैंने 4-5 दिन से मैं ऐसे ही पहन के सो रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा रोआ टाइप का हुआ तो नहीं है बट थोड़ा पुराना टाइप का लगने लगा है. तो आई नॉट प्रिफर वेयरिंग दैट बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे पुराना नहीं करना चाहती हूँ. आप हंस रहे होंगे कि मैं कुछ ना कि मैं ये जैकेट में जैसा पहनी हुई हूँ, बट इट्स ओके क्योंकि मेरे पास मुझे वो उसमें टॉप नहीं मिल रहा है, बहुत अंदर होगा, मैं बाद में जब फ्री होंगी तब निकालूंगी. ऐसा सच मैं अभी भी फ्री हूँ बट मुझे टीवी देखने का बहुत मन हो रहा है, चिल करने का. एंड गाइज रुको मैं आपको दिखाती हूँ मैं मॉइस्चराइजर क्या लगा. सी रोज वाटर तो ये वाला, मैं झूठ नहीं कह रही थी, मैंने आपको दिखाया अभी कि रोज वाटर. एंड ये एक्चुअली वैसलीन का मॉइस्चराइजर, क्या कहते हैं उसे, बॉडी लोशन है. तो मैं वैसलीन का कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, ऐसा मत सोचना कैबिन क्रू है तो बहुत सारा चीज़ लगाते होंगे, तो नहीं, तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ लगाती हूँ. एंड मैं क्या करती हूँ I don't know anything. देखो ऐसे आता है शाइन, देखो. और मैं आई फ्लाई भी जाती हूँ ना, तो मेकअप करने से पहले मैं यही सेम चीज करती हूँ. या हो गया मेरा हाथ मॉइस्चराइज. आई होप आप सबको शाइन दिख रहा होगा, ये देखो हाथ पे, देखो दिखेगा, दिखा. आई होप आपको चेहरा का भी शाइन दिख रहा होगा. तो ऐसे ही सस्ते नुस्खे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता हो नहीं पसंद आता हो लाइक करके जाइए. नहीं पसंद आने का कोई चांस ही नहीं है.